नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर में एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम जेएनयू से रिलेटेड आपको जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं कुछ लोगों के डाउट जो यहाँ पर है वो थोड़े क्लियर करना चाहूँगा। तो आप जो है यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, जैसे कि ये कमेंट्स मेरे पास आया है, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप इकोनॉमिक्स पे जो है सिलेबस पे एक वीडियो बनाइए, है ना। तो मैंने इनके कमेंट को यहाँ पे जो है कवर किया है और इनके कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना। और भी मेरे पास जो है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने सिलेबस के लिए ऑलरेडी जो है वीडियोज़ बना रखा है, ठीक है। फिर चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एमए के लिए स्पेशली मैंने जो है अपने चैनल के अंदर, आप मेरे चैनल पे जाना, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है जो जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करना, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जेएनयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की थी जिसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि वो 2019 का सिलेबस नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का उसमें पूरा जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। और जो जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है ना। इस बार आपका एग्ज़ाम जो है एनटीए करवा रहा है, हालांकि ये होगा बस पैटर्न में चेंज है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होना है, हैं। तो इसके अलावा जो मैंने जो जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की वेबसाइट है, मैंने तो उस पर कहीं पर भी ये नहीं देखा कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आप लोग कहते हो सिलेबस, तो मैंने सिलेबस के लिए ऑलरेडी उसमें वीडियो बना रखा है। तो आप लोग ज़रूर से उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। और कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं, सर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो बनाइए, हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाइए, ज्योग्राफी के लिए वीडियो बनाइए। तो मैंने अपने चैनल के अंदर ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, आप जाके चेक कीजिएगा। आप लोग चेक ही नहीं करते हो, वीडियोज़ देखते नहीं हो और आप लोग कमेंट कर देते हो, ठीक है ना। तो आप पहले जाके चेक कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सारे वीडियोज़ जो है बना रखे। अब काफ़ी लोगों को इस इकोनॉमिक्स में डाउट है तो मैंने सोचा चलो इसके लिए भी वीडियो बना दूँ। लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पर मुझे ये लगा कि यार किस पे मतलब वीडियो बनाऊँ। मैंने ऑलरेडी सिलेबस पर बता दिया आपको जो है इकोनॉमिक्स के बारे में, ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था, सिलेबस वाले वीडियो में काफ़ी कमेंट मेरे पास आए थे इसलिए। और अब जो है मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बता दूंगा, मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे रिसर्च की है आप लोगों के लिए। मैं वैसे जो है आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है बातें पहले ही बता दी और इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपको अभी तक नहीं बताई। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दिए। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स से इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूँ वो चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक वेबसाइट पर, है ना। इस वेबसाइट के अंदर आपके जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मुझे मिले हैं, और इसीलिए मैंने इस वेबसाइट को आपको बताने का यहाँ पे सोचा है ताकि आपकी हेल्प हो सके। इसके अंदर पुराने कुछ पेपर दिए हुए हैं जो लास्ट ईयर हुए हैं, इसमें आई थिंक 2-3 साल के पुराने पेपर दिए हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें पहले भी जेएनयू के अंदर कुछ ही इसी तरह का मैटर था। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस वेबसाइट का लिंक वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो। और आप टाइटल में देख सकते हो इस वेबसाइट का लिंक क्या है, आप वहाँ पे भी जो इसमें देख सकते हो। मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। तो आप लोग ऊपर देख रहे हो, मैंने ये यहाँ से निकाला, ये देखिए ये टाइटल में ये है इस वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के जो पुराने पेपर वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अब आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है जेएनयू एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2013, ये 2013 का यहाँ पर पेपर दिया गया है। ये देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह से आप इसमें जूम करके भी देख सकते हो, पूरा इसमें मैटर दिया हुआ है। आई थिंक ये जूम करने से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर सारे मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है इसके अंदर। ये देखिए आप, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं,
है ना। तो ये आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये देखिए इसके अंदर, जैसे ये 2013 वाला पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर इसके अंदर 2012 का भी है, 11 का भी है, इसके अंदर पुराने पेपर दिए हुए हैं। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, विजिट करके आप इसमें पुराने पेपर जो दिए हुए हैं एक बार उनको आप अच्छे से देख लेना। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है हेल्प मिल जाएगी इन पेपर से। जिनके पास पेपर अवेलेबल नहीं है वो लोग ज़रूर से ये पेपर यहाँ से देख सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। स्क्रीन शॉट लेके भी आप इन सबको डाउनलोड करके देख सकते हो। देखिए ये 2011 का, आई थिंक 2012 वाला ऊपर चला गया है। ये देखिए ये 2012 का पेपर है, ये इकोनॉमिक्स का ही पेपर है 2012 का, है ना। इसके अंदर पूरा इसमें दिया हुआ है, पीडीएफ के थ्रू इसमें अपलोड किया गया है। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पे आके आराम से इन पेपर को देख लीजिएगा एंड डाउनलोड भी कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और जो लोग जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़े हम, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए, हर एक तरह की न्यूज़, हर एक तरह के जो है जानकारी यहाँ पर हम आपके लिए लेके आएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपकी कहीं से भी हेल्प हो सके, जो जानकारी हमारे पास नहीं है हम जो है उसकी रिसर्च करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फाइनल में इतना ही कहना चाहूँगा, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।